थॉर भाई लो क्या हाल चाल है यार। अब इस गेम प्ले में चिकन डिनर तो नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन यार इस गेम प्ले में मुझे एक रैंडम स्क्वाड मिली जो पूरी तरीके से मान गई कि मैं एक 12 साल का बच्चा हूँ जिसके पास ढेर सारा पैसा है। अब हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार मैंने 2 मैचेस खेले थे और ये दूसरा वाला है, पहला वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो जब मैं पहले वाला मैच खेल रहा था तो मुझे जो है सोलो से स्क्वाड खेलना था, लेकिन मुझे मिली एक रैंडम टीम जिसमें ये 3 बंदे थे जो कि आपस में दोस्त थे। तो इस वजह से बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ये लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा अब्यूजिव थे। तो मतलब एक दूसरे को गाली वाली दे के बात कर रहे थे जो कि एक इन लोग के लिए नॉर्मल बात थी। लेकिन जब एक ने मेरे साथ उसी तरह बात करी तो मैंने लिख दिया भाई की गाली नहीं। तो उस पर ये लोग बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं हुए, बल्कि उसमें से एक ने मुझसे पूछा तुम्हारी एज क्या है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 12 साल। और उसके बाद भाई इन लोग ने गाली बकना तो बंद नहीं करा लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम कर दिया जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और ये पूरी तरीके से मान गए थे कि मैं 12 साल का बच्चा हूँ। तो मैं पूरे गेम में इन लोग को अलग अलग स्किन्स लगा के एंटरटेन कर रहा था, कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था, इसमें इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। फिलहाल यार यहाँ पर मेरा जो है स्लिप हो गया पूरी तरीके से, लेकिन जो भी उस बंदे को मार दिया और एक बंदा और अंदर था उसको भी ठिकाने लगा देते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गए। तो अब हुआ ये था भाई कि उस गेम प्ले को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आधा गेम प्ले बीत चुका था, उसके बाद रिकॉर्ड करता तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वो जब मैच खत्म हो गया जो कि बहुत ज़्यादा फनी था, बहुत मज़ा आया, उसके बाद इन लोग ने मुझे फिर से इनवाइट करा अपनी टीम में। तो मैं इन लोग की टीम में वापस से आ गया और फिर याला गेम प्ले खेला जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यार यहाँ पर मेरा लैग हो रहा था ओवरहीटिंग की वजह से। देखो गर्मी के मौसम में फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट करते हैं, तो कूलर वगैरह है तो भाई उसी के पास जाके खेलो तो ही सही से चलेगा फ़ोन। नॉक 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 रश करो रश करो मेरे को उठा पहले वो तू पंगले कहाँ गिर गया? मैंने उसकी मारा था एक गोली लगी उसमें। रश करो जा तुम रश करो मैं तो नहीं कर रहा हूँ लोड़ा है अकेले रश नहीं जाता भाई। मैं अकेला हूँ उठा ना तू 3 नंबर पहुँच रहा था तू नहीं जा रहा इसलिए मैं हाँ वाले फिर ठीक हो गए यार आर्डर पहुँच चुके अब ये स्क्वाड तो निपट गई थी लेकिन ऊपर एक और टीम थी तो उसको भी ठिकाने लगाना था। अब मैंने उनका एक बंदा नॉक कर दिया था लेकिन मेरे साथियों को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऊपर बंदे चले हम ऊपर जा रहे हैं तो लगाने दे मेरे को चलते हैं चल तुम पहुंचो मैं पीछे से आता हूं। अब इसका कोर होगा खराब। अब उसके बाद हम लोग अपार्टमेंट की तरफ आए तो मुझे झाड़ियों में गाड़ी दिख गई और मैं समझ गया बंदा तो कोई है। उसके पीछे पीछे चलो मैं उसके पीछे पीछे हूँ जहाँ हुआ है वहाँ मैं हूँ। डब्बा लूट रहा है भाग चलते चलते अब यहाँ पर हम लोग दो तरफ से फंसे हुए थे क्योंकि हम लोग के नीचे भी एक टीम थी और पहाड़ के ऊपर भी एक टीम थी, तो हम लोग को हर तरफ ध्यान रखना था।
और उतरी भैंस की ओ बाबा भाग रहे हो ओम चली मैं बस आ रहा हूं तेरा भाई टच हो गया निकला पीछे देख कब तेरा भाई टच नाम नहीं बोला उसको पीछे भैया मैं तो पीछे ये रे इसको देख गाजा मोर बन रहा है रे मैं टच हो रहा हूं वो जो किले ने वाला टच हो होने में हट गया मैं नहीं हूं नंबर देखना किसी ने किस का देगा ये अभी देख रहा मोर कैसे बन रहा है छोटा पजामा पहन वो मारिए साले ने है अरे छोटी तू रहता कहाँ है गाजियाबाद अपने आप को 12 साल तो बता रहे थे हम फिर तो ये प्रो की तरह रहा है झूठ बोल कैसा मार रहा है मुझे अपनाने के लिए अरे पैसे बैंक से उठा ले यार अगर 12 तो ले आएगा इसने 1400 वाला हां देखा वो वाला अंधा पैसा होगा इसके पास अब गेम में कई जगह मेरा पिंग बहुत ज्यादा हाई हो रहा था और इसका एक एग्जांपल है अब इस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज करा था तो मैंने सोचा एक ग्रेनेड डालते हैं शायद वो बंदा ग्रेनेड की चपेट में आ जाए हमारे लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था फिलहाल यार हम लोग का ध्यान अभी भी पहाड़ी के ऊपर था और वहां पर मुझे एक बहुत दूर एक बंदा दिखा छोटा सा उसको मैंने नॉक कर दिया अब पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से उसको फिनिश कर दूं क्योंकि रिवाइव होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हाई थे अब हम लोग जोन से बाहर थे तो हम लोग को गाड़ी उठा के जोन के अंदर जाना पड़ा और यहाँ पर हम लोग फंस गए गाड़ी तो बढ़ गई पहले अब देखो दो बंदे आ गए और यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेशन देखना टट्टी एकदम मैंने एक को नॉक कर दिया लेकिन कवर फायर आया नहीं बंदा दूसरी तरफ से गया लेकिन वो भी नॉक हो गया और दूसरा वाला बंदा तो भाई 50 मीटर दूर था अब उसके बाद इन लोग ने मुझे दोबारा नहीं खिलाया इन लोग ने मुझसे कहा भाई चले जाओ किल नहीं मिल रही है We'll be right back.